मुझे बहुत सारी ऑफर हुई हैं आज तक बाहर की, मैं अपनी जूते के नोक पर रखता हूं इस ऑफर को, इधर ही रहूंगा, आधी रोटी खा लूंगा, पर वहां जाकर सारी जिंदगी पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। आज का टॉपिक बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है। आज का टॉपिक है कि हमने पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बनना, हमने अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना, हमने अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर खवार नहीं होना। क्यों नहीं होना? ये घाटे का सौदा है भैया, इतना घाटा कि जो आप सारी जिंदगी भी बाहर कमाकर पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आधी रोटी खा लेना, यहां पर 100 की जगह 50 कमा लेना, 1000 की जगह 500 कमा लेना, वो सुख की रोटी होगी, अपनों के पास होगी, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मां बाप के पास। यहां से लालच करके ज्यादा कमाई के चक्रों में बेरोजगारी का बहाना बनाकर बाहर तो चले जाते हैं हम, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? मरने वालों की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होती, सगे मां बाप के फौत होने पर वीडियो कॉल पर उनकी शक्लें देखते हुए बच्चों को रोते चीखते हुए मैंने देखा है। उस वक्त टिकट भी नहीं मिल रही होती जिस वक्त यहां पर कोई आखिरी सांस ले रहा होता है। उन आखिरी सांसों की पुकार यही होती है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा शोहर यहां पर आ जाए, और उस वक्त कोई रास्ता, कोई ताकत इतना इख्तियार नहीं देती कि आप फौरी तौर पर इधर आ जाएं और अपनी फिजिकल अपीयरेंस में उनको दफना भी सकें। आप अपनी बीवी को यहां पर किसी के सहारों पर छोड़ के चले जाते हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी है कि उस बीवी का जो शोहर है वो बाहर है, बच्चे इधर बिलक रहे हैं, बच्चे ने कोई शरारत की है या उसकी बीवी ने रोटी लेट दी है अपने ससुर को, तो उसने जूतियों से उसे मारा है। कमाल है। वैसे आपका बच्चा बाहर गया हुआ है, आपको नोट पर नोट भेज रहा है महीने के, और आप उनके बीवी बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। उस मर्द से जो किसी भी शक्ल में बाहर मौजूद है, बेटा है, भाई है, शोहर है, बहनोई है, जो कोई भी है, उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूं, अगर आपने जाना है तो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाइए। पहली बात तो हमें इधर से जाना ही नहीं चाहिए। हम क्यों लालच करके तकरीबन 20 से 25 साल अपनी जिंदगी का बाहर मुल्क के नाम कर देते हैं और वापसी पर हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। फर्ज कीजिए यहां पर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए थी, बाहर आपको 1,00,000 रुपए सैलरी मिलती है, हालांकि बाहर 80-90,000 से ज्यादा सैलरीज नहीं दी जा रही, लेकिन मैं एवरेज 1,00,000 रुपए कह देता हूं कि बाहर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है। उसने मंथली अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को 50,000 रुपए भेजना होता है, और बाकी के जो 50,000 है उससे उसने अपना घर वहां पर चलाना होता है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, जाना आना। उस 40-50,000 रुपए में वो अगर 10,000 रुपए भी जोड़ लेता है मंथली, या 20,000 रुपए भी मंथली जोड़ लेता है, तो साल के कितने हजार जोड़ लेगा, कितने लाख जोड़ लेगा? ज्यादा से ज्यादा अगर एवरेज निकाली जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए जोड़ लेगा। और अगर वो अपनी जिंदगी के 20 साल बाहर निकालता है तो ये 2.5 से 3 लाख को उस 20 लाख से जरब दे दें, ज्यादा से ज्यादा 40-50 लाख रुपए जोड़ लेगा इन 20 सालों में। और उन 40-50 लाख में उसने अपने बच्चों की सारी पढ़ाई भी कंप्लीट करवानी है पाकिस्तान में, उसने अपने बच्चों की शादियां भी करवानी है, उसने अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेंबर्स की खुशी गमी भी निकालनी है। तो वो 40-50 लाख रुपए पूरे तो नहीं बचेंगे, वो कम अज कम 25 लाख तक रह जाएंगे। और 20 साल बाद आप बूढ़े होकर जब आपकी कमर ढीली हो जाएगी, आपसे चला भी नहीं जाएगा, आपका सर आपकी उम्र के मुताबिक झुका हुआ, कंधे झुके हुए होंगे, तो आप पाकिस्तान में वो 20-25 लाख रुपए लेकर आएंगे और यहां पर आपकी वैल्यू जीरो होगी। बहुत सारे लोग जो 25-25, 30-30 साल लगाकर बाहर से यहां आते मैंने उजड़ते देखे हैं, उसने ये 20-25 साल अपने घर वालों से दूर रहकर नुकसान उठाया, फायदा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा पीछे से। बच्चे जो हैं बगैर बाप के उनकी परवरिश कैसी होगी, बगैर शोहर के बीवी का क्या हशर होगा पीछे, बगैर बेटे के माँ बाप कैसे रहेंगे, बगैर बाप के बेटी का कौन सुपरवाइजर होगा, बगैर भाई के बहन का क्या हाल होगा? इन चीजों को जरा सोचिए। मुझे बहुत सारी ऑफर हुई हैं आज तक बाहर की, मैं अपनी जूते के नोक पर रखता हूं इस ऑफर को,
इधर ही रहूंगा, आधी रोटी खा लूंगा, पर वहां जाकर सारी जिंदगी पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बनूंगा। अपनों के पास रहूंगा, जिंदा रहूंगा। वहां जाकर घुट घुट के मरने से बेहतर है, अपनों के पास तो रहोगे, अपने बच्चों के सर पर सलामत तो रहोगे। इस हिसाब से महंगाई जा रही है, आप खुद सोचें कि 20 से 25 साल बाद अगर एक बंदा 25 से 30 लाख रुपए जोड़कर पाकिस्तान ले भी आता है तो उसकी क्या औकात होगी, उसकी क्या वर्थ होगी, इस चीज का अंदाजा लगाइए। और फिर सोचिए कि हमने बाहर जाना है, अखबार की सुर्खियां भरी हुई हैं और न्यूज चैनल्स इस चीज से बड़ा शोर शराबा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान से 10 से 15 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान बाहर जा रहे हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं, वो अपना नुकसान करने जा रहे हैं। मैं शर्त यह कहता हूं, कोई बताए मुझे आकर कि 5 साल हो गए हैं उसको बाहर गए हुए बंदे को, उसने क्या बनाया है पाकिस्तान में? ज्यादा से ज्यादा अपने कमरे में एसी लगवा लिया होगा, अपने बच्चों को एक लैपटॉप लेके दे दिया होगा, एक मोबाइल लेके दे दिया होगा, एक आईफोन भेज दिया होगा, एक मोटरसाइकिल ले दी होगी। 5 साल अपने घर वालों से दूर रहे हैं आप, इस चीज को सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।